निगम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जी वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट सितंबर 2016 में मैथ में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से आज 15 प्रश्नों को देखेंगे। और थंबनेल आपने देखा भी होगा कि 15 नंबर आज फिक्स करेंगे मैथ में। जी हाँ, आज हम लोग 15 प्रश्न को देखेंगे। इसी से संबंधित 15 प्रश्न आते हैं को देखिए, बहुत ही आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स आपको देखना होगा और कुछ बातों को आराम से समझना होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आराम से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी आप गलती कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैथ से डर भी लगता है तो थोड़ा हम जीरो से लेके चलेंगे ताकि आप आराम से समझ सकें। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो मैथ के लिए आपको कम से कम 1 घंटा रखना जरूरी होता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि लास्ट में, यानी टोटल आप पेपर सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में 1 घंटा बचा कर रखिए। यानी 1.5 घंटे में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे डील कर लें और लास्ट में जो 1 घंटा बचता है वो मैथ के लिए जरूर रखें, जिसमें से 45 मिनट मैथ के लिए यूज करें। 15 मिनट में पूरा अपना पेपर देख लें कि आपने कैसे हल किया, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है या किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया है। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे 15 मिनट। अब 45 मिनट में निश्चित ही आप डील कर पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हम 15 क्वेश्चन को आज बताएंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को आज डील करेंगे। यानी हमने इस भाग में जो पेडालोजी से जो प्रश्न होता है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो बनाने वाले मैथ के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आंसर निश्चित ही सही होते हैं। यानी ये 15 नंबर आपका फिक्स ही हो जाएगा अगर इसके आंसर मिल जाते हैं तो। अब बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है ताकि इसमें कुछ समय लगे और आप इसे छोड़ दें। लेकिन आज मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है 29503 में 5 के स्थानीय मान, ये अंडरलाइन कीजिएगा सॉल्व करते समय, 5 का स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान, ये अंकित मान को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। अब यहाँ पे जब आप बनाने चलिएगा तो आपको एक परेशानी ये होगी कि दोनों को आप स्थानीय मान समझ जाइएगा, और जैसे 5 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 5, और इसका स्थानीय मान निकालना है। को 5 कितने स्थान पे, 1 2 3, 3 स्थान पे है। को 5 मैंने लिखा है, इसके बाद कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है ना, तो यहाँ मैं लगाऊंगा 2 0। यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, 2 0, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब ये कह रहा है तथा 32071 में 7 के अंकित मान, अंकित मान मीन्स होता है ये 7 ही होगा, जिसका अंकित मान पूछे वही अंक होता है। तो इसमें 7 का अंकित मान पूछ रहा है कि इसमें अंकित मान कौन है, 7 ही है। अगर 0 का अंकित मान लिखेगा 0 होगा, 2 का अंकित मान लिखेगा 2 होगा, मतलब जो अंकित किया हुआ है। स्थानीय मान मीन्स होता है जहाँ जिस स्थान पे है, यानी 5 हो गया और 2 स्थान के बाद है, 2 0 हम लगा देंगे। अंकित मान मतलब जो अंकित किया गया है वही, नाम से ही स्पष्ट है, कुछ नहीं करना, नाम देखिए स्पष्ट हो जाएगा बखूबी तरीके से। तो यहाँ कह रहा है कि अंकित मान में अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम कर देते हैं, तो यहाँ कर देंगे 7, यहाँ कर देंगे माइनस, और इसको बट्टे में करके ऐसे माइनस कर देंगे। तो इसमें से यहाँ 5 है, 5 में से 1 आरसी लिए यहाँ आया तो ये हो गया 10, 10 में से यहाँ लेके आए तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अगर 10 में से 7 गया क्या बचेगा, 3, और यहां से ले लिए थे को यहां बच गया कितना, 10 बचा ना। तो 10 में से यहां 1 ले लिए थे को यहां बच गया 9, यहां हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 4, 1 यहां लिए थे फिर इससे 1 यहां ले, तो 493 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो घटाओ भी आराम से आता होगा, नहीं को जोड़ दीजिए इसको, नहीं आता है घटाओ तो 93 7 कितना हो जाएगा, 500 आ गया इतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आसानी है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए इतना लिखा है कि 28 इकाई 28,000, अब दहाई पूछ रहा है।
तब रिक्त स्थान पर संख्या है 28 इकाई लिख दिया। देखिए इसको आराम से, प्रश्न को पहले आराम से समझिए, 30,028 है, 28 मतलब ये इकाई हो गया, चलिए इसने इकाई लिख दिया। अब बच्चा 30,000, अब हमको कितना लिखना है, 30,000, 30,000 में से उसने बोला 28,000 मेरे पास है, बचा कितना 2,000, 30,000 में से माइनस होगा तो 2,000 बचेगा। अब इस 2,000 के लिए हम क्या करें, को 2,000 के लिए हमें करना क्या होगा, 2,000 के लिए को दहाई पूछ रहा है, दहाई मतलब क्या होता है, गुणे 10, कितना से गुणा करें कि ये 2,000 हो जाए, तो 10 है तो एक काट दीजिएगा जीरो को, 200 से गुणा करेंगे आराम से बन गया, यानी 200 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं, एक जीरो हटा दिए तो क्या हो जाएगा, 200 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, अगर दहाई का मतलब नहीं समझे तो देखिए, हजार लिखा है ना, को गुणे 1,000 से गुणा करते हैं ना, ये 1,000 से गुणा करते हैं तब ना 28,000 होता, वैसे ही दहाई है यानी 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा होता तो किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते, यहाँ इकाई है यानी 1 से गुणा करेंगे, ये भी आपको सॉल्व हो गया, यानी आपका आंसर होगा ये रहा 200। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, 200 दहाई यानी 2,000, यहाँ 200 देखेंगे कहाँ, यहाँ टिक कर देंगे, आपका एक और नंबर बन गया, आपका दो क्वेश्चन सॉल्व हुए, दोनों आराम से आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है, टाइम टेकिंग भी लेगा, लेकिन इसको सॉल्व जरूर कीजिए, टाइम टेकिंग है इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट में इसे सॉल्व कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए बोल रहा क्या रहा है, इतना को 108 से भाग देने पर, इतना को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, अब इतना को 108 से भाग दे दीजिएगा, अब भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, मान लीजिए कुछ भी शेषफल बचता है तो शेषफल को रख लेंगे हम, जैसे मान लीजिए अगर 24 शेष यहाँ पे कुछ भी शेषफल, मान लीजिए 24 बच गया, अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, तो 24 शेषफल बच गया तो इसको रख लीजिएगा, को इतना को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, यानी इसमें से इतना जो शेषफल बच गया 24 अगर बचा तो इसमें हम भाग देंगे किससे, जो दूसरे वाला का शेषफल बचेगा, यानी इन दोनों को भाग देने पे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको भाग देने के लिए, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, को इन दोनों को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 3 24 यानी 8 आंसर हो जाएगा इसका, देखेंगे अगर आप बनाएंगे तो इसका 8 आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग, तो इसको अब हम भाग देंगे, भाग देना तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सबसे पहले इधर से हम भाग लगाते हैं, जैसे 108 है 3 डिजिट का है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना में भाग लिया जाएगा, 3 डिजिट को सबसे पहले होना चाहिए को 3 डिजिट, अब 108 से ये बड़ा है को निश्चित ही भाग लिया जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, तो हम 7 बार में लेके जाते हैं, कि ये हो जाएगा 70 56 के 6, हाथ में आया 5, 0 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 से 0 में गुणेंगे 0, तो ये 5 जो हाथ में था वो लिख दिए 7 * 7, फिर इसको माइनस करते हैं, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर भाग लग जाएगा, फिर यहाँ 8 उतारेंगे, फिर जो शेषफल बचा ये 24, इसको रख लेंगे क्वेश्चन के अनुसार, फिर 109 जो है इसको इतना से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो बच जाएगा शेषफल में उसको रख लेंगे। अब कह रहा है कि दोनों का भाग करने के लिए बोल रहा था, 24 / 3 करेंगे बराबर कितना आंसर हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन था और इसमें 3 से भाग देना था 24 को, शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, शेषफल लास्ट वाले को मैंने दिखाया वो शेषफल होता है, भागफल मीन्स ये वाला अंक मुझे चाहिए, तो भागफल क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि इतना बराबर इतना तब रिक्त स्थान पर संख्या है, रिक्त स्थान पर संख्या है, तो कुछ नहीं करना, देखिए इतना बराबर इतना लिखा है ना, तो इतना संख्या के बट्टे कर दीजिए, इतना ये हो गया 63 * 4, ठीक है,
अब इसको गुणा करना, भाग दे देना है, बट्टा में कर दिया, यानी बराबर दोनों होना चाहिए, को बट्टा में मैं कर देता हूँ। अब दोनों बट्टा में मैंने कर दिया, तो इसको हम काटते हैं, तो कटेगा कितना, 7 चौक 28, 7 बार में जाएगा, 9 सते 63, ये हो जाएगा आपका कितना, 9। और फिर भाग देंगे इसको इससे, 600 इससे भाग देंगे हम, 63 है या 9 से, तो नक्षक 54, नक्षक 54 हो जाएगा, और 54 6 60, 9 सते 63, यानी 67 आपका आंसर हो जाएगा, 67। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको केवल भाग देना था, क्योंकि यहाँ बराबर एक्स भी मान के आप कर सकते हैं, तो बात वही होगा कि डायरेक्ट ही हम बराबर कर देते हैं जो भी बचेगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो संख्या ज़्यादा होती है उसको ऊपर रखते हैं, जो संख्या कम है उसे नीचे रखते हैं। जैसे जिसका मान निकालना है उसे हम नीचे रखेंगे, और ये पूरा मान है तो उसको ऊपर रखेंगे, बस यही ट्रिक याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। यानी ये संख्या ऊपर हो गया, इसको निकालना था तो इसको हमने नीचे किया, तुरंत निकल गया, ये 67 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वभौमज, यहाँ देखिएगा एक शब्द युद्ध किया है, गुणज, भागा, यानी बीच में भाग का चिन्ह है, 15, 24 तथा 45 का बड़ा सार्व गुणनखंड। ये गुणनखंड की बात कर रहा है, गुणनखंड मीन्स, और गुणज मीन्स क्या होता है, देखिए गुणज जब भी, ये तो एक संख्या हो गया कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब 200 से 400 के बीच में होना चाहिए। ये तीन जो संख्याएं हैं इसका गुणज, यानी तीनों को भाग दे सके, एक ऐसा संख्या यहाँ हमको निकालना है जो इससे भी भाग लग जाए, इससे भी भाग लग जाए, इससे भी भाग लग जाए, तो जाहिर सी बात है हम इसका एलसीएम निकालेंगे गुणज के कारण, सार्व गुणज, यानी सार्व मीन्स सब में, गुणज मीन्स भाग लग सके, यानी इसको गुणा करके उतना लाया जा सके, गुणज मीन्स वही। अब यहां बात करता है, कोई ये एलसीएम निकाल दीजिएगा, 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड। अब ये कह रहा है गुणनखंड, यानी ऐसा कोई संख्या बताइए जो तीनों से कट जाए, तीनों से कट जाए, कोई ऐसा संख्या, तो यहां पे आप देखिएगा तो 3 से भाग लग जाएगा ना, तीनों में 3, 3 5 15, इसको हम निकालना भी बता देते हैं, 3 5 15 और 8 3 24, और ये हो जाएगा 45, 3 1 15 3 45, यानी यहां 3 से सब में भाग लग रहा, तो एक संख्या मेरे ख्याल से 3 हो जाएगी, और इसका एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकाले हम लोग, और ये 200 से 400 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए या तो किसी दो संख्या से भाग लगना चाहिए, किसी भी दो संख्या से, नहीं तो दूसरा भी हम कर सकते हैं कि पूरा संख्या को काट दे, ताकि ये जो संख्या बचेगी इससे हम आपस में गुणा कर लेंगे और वो मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो हम एक एक संख्या भी काट देंगे, को सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, तो 15 हुआ, यहाँ 45 का हो गया, ये 30 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 वैसे ही उतर गया, 45 वैसे ही, फिर यहाँ 15 2 30, फिर 3 से भाग दे देंगे तो 3 5 15, 45 हो गया, 15 3 45, और ये 5 3 15, को ये जो भागफल होता है वो नीचे यहाँ लिखते हैं, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3 5 15 हो गया, 3 आ गया, 5 एकम 5, जितना से भागफल होता है वो नीचे लिखते हैं, फिर 3 से भाग देंगे तो ये हट गया, इसको हम गुणा करेंगे। तो अगर इसको गुणा जल्दी करने का तरीका ये है कि पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, 5 2 10, यानी 10 हो गया, तो 10 को फिर गुणा कीजिए 2 से, तो 10 2 20 हो गया, फिर 2 0 हो गया, को 0 हम अपने हाथ में कॉमन ले लेते हैं, अब फिर 2 बच गए, को 2 से 3 से 3 2 6, यानी 60 हो गया, को 60 को फिर 3 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, तो 6 3 18, लास्ट में एक जीरो कर देंगे, तो ये 180 आराम से गुणा कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 180। अब 180 जो है प्रश्न के अनुसार 200 और 400 के बीच में नहीं है, तो इसे 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 360। ये याद रखिएगा, जब दोनों के बीच में नहीं है तो 2 से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं,
वो संख्या एक मिल गई मेरा एलसीएम वाला 360, दुगुना कर देंगे तो भी इसमें भाग लग जाएगा। अब हम बात करते हैं सर्व गुणनखंड की। गुणनखंड कैसे निकालते हैं? को 15 और 24 के बीच में पहले निकालेंगे, तो 15 एक मर्द में जाएगा ये, और इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, 15 एक ये 24 हो गया, दोनों के घटाने पे 9 आएगा। फिर ये जो संख्या है इसको हम बीच में ला के रख देते हैं, ये 15 हो गया, फिर 9 से भाग देंगे, ये आ गए 6, फिर ये जो संख्या है हम यहाँ बीच में लेके आएंगे, फिर एक आ गया 6, फिर ये जो संख्या है फिर यहाँ बीच में लाएंगे, 3 से कट जाएगा, फिर 45 का 15 थे 45, यानी 3 हमारा क्या हो गया, सर्व गुणनखंड हो गया। अब दोनों को भाग देने के लिए कह रहा है, यानी 360 भागा 3 को, ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, 120। आराम से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी यानी 100 के आधे से छोटी यानी 50 से छोटी है, किससे छोटी है, 50 से छोटी है। 100 के आधा क्या हुआ, 50 हुआ ना, को 50 से इससे छोटी है, यानी ये जो संख्या है ये बड़ा होगा और ये जो होगी छोटी होगी। चार दहाई, चार दहाई कितना हो गया, मैंने बताया था 10 से गुणा हो जाता है, चार दहाई यानी 40, 50 दहाई के बीच में है, यानी इसी के बीच में है, 40 और 50 के बीच में है, 50 दहाई, 40 और 50 के बीच में है, इनके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, यानी जो ये अंक है, जैसे इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक है मान लीजिए ये इकाई 5 है, दहाई के अंक से कम है, यानी ये हो जाएगा आपका 6 होगा, ऐसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 40 और 50 के बीच में लिखना है, यानी एक कम है, यानी दोनों को अगर माइनस करेंगे हमारा तो एक आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर इन दोनों के बीच में लिखना हो तो एक होगा 4, और 4 से एक कम क्या होगा, 3, 4 इसलिए रखेंगे क्योंकि 50 और 40 के बीच में केवल 4 की संख्याएं होंगी, एकदम आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, 50 और 40 के बीच में केवल ये डिजिट दहाई का अंक हमेशा 4 ही रहेगा, और ये संख्या हमको ज्ञात करना है, यानी एक संख्या तो मुझे मालूम है कि 4 रहेगा और ये संख्या ज्ञात करना है, अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तभी तो दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो एक आएगा, तो मेरा ये 43 हो गया। अब 43 हो जाने के बाद यदि संख्या के अंकों का योग 7 हो, देखेंगे तो जो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, अगर घटाएंगे तो एक आएगा, अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, 4 3 7, तो अंकों का गुणनफल क्या है, 12, 4 3 का 12, 4 और 3 12, सॉल्व हो गया। बहुत आसान है, केवल समझने का फेर है, आराम आराम से सॉल्व कीजिएगा। और इन दोनों के बीच में था तो मैंने 50 निकाल लिया था, 50 को रख दिया था, 50 से छोटा होगा, को 50 के छोटा जो भी होगा, 40 और 50 के बीच में जो भी होगा वो केवल दहाई के अंक 4 ही होंगे, दहाई के अंक मैंने 4 रखा, दोनों को माइनस करेंगे तो एक आना चाहिए, यहाँ 3, 4 में से 3 गया एक आएगा, यानी 3 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 7 होना चाहिए, 7 हो गया, यानी आपका संख्या कितना हो गया, 43 हो गया। अब 43 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 3 का 12 का 12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 360, ठीक है, जिनमें से दो तिहाई लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या कितनी है, इसका दो तिहाई, दो तिहाई का मतलब दो, मतलब दो तिहाई मतलब 3/3 बराबर गर्ल्स हैं, यानी ये हो गई लड़कियां, जी लिख दूं। चलिए अब इसको हम भाग देते हैं तो भाग कैसे लगेगा, 12 3 36, यानी 12 हो जाएगा, और ये 0 का 0 उतार दूंगा, 0 बहुत अच्छा संख्या है, इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी को देखना पड़ता है, गुणा भाग में सब आराम से, 12 3 36 यानी 12 तो 120 हो गया, 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 12 को, देखिए ये आराम से कैसे गुणा होता है, 12 को 2 से गुणा करते हैं, 12 2 24 है, 0 का 0 लिख देंगे,
हमेशा जीरो बहुत ही अच्छा अंक है, जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं। 12 दूनी 24, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो लिख देंगे, यानी 240। कितने लड़के हैं? 240 शेष लड़के हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? तो 360 में से अगर ये 360 है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 240, 240 को माइनस करेंगे, तो ये जीरो का जीरो हो जाएगा, 6 में से 4 गया, कितना आएगा, 2, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 120 है। लड़कों की संख्या कितनी है? शेष लड़के हैं 120 संख्या हो गए, ये क्या हो गए, बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, बॉयज 120 हो गए। लड़कों की संख्या के 3/4, यानी 3/4 कर रहे, यानी इसकी संख्या के 3/4, इसकी संख्या 3/4 खिलाड़ी हैं। अब 3/4 खिलाड़ी, और खिलाड़ी निकाल लेते हैं कितना है, तो 4 त्रिका, इसको काटेंगे तो 4 त्रिका 12, 3 आएगा, ये जीरो का जीरो उतर जाएगा, जीरो कुछ करते ही नहीं। अब इसको गुणा भी कैसे करें, 3 त्रिका 9 = 0, 3 त्रिका 9, और ये हो गया जीरो मेरा, यानी 90 है। तो टोटल जो है खिलाड़ी कितने हैं, ये हो गए 90, ये हो गए क्या, प्लेयर हो गए, ये बॉय प्लेयर हो गए, बीपी लिख देते हैं। तो ये बॉय प्लेयर कितने हो गए, 90। को उन लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, मतलब जो खेल नहीं खेलते हैं, जो खिलाड़ी नहीं है, उन लड़कों की संख्या कितनी है, तो 120 में से 90 घटा देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम 120, और ये हम घटा देते हैं, जीरो से जीरो खत्म, मतलब जीरो का जीरो उतर गया, 9, 10, 11, 12, यहाँ आएगा 3, यानी 30 मेरा आंसर होना चाहिए, तो 30 इसमें है 30 आंसर सही। इस तरह आराम से सबको हल कीजिएगा, आराम से हल हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आगे हैं, और कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, तो इससे डरिएगा नहीं, आराम से शब्द को पहचाने। 3/4 कैसे लिखा मैंने, 3 का 3 लिख दिया, 4 मतलब 4/4 लिख दिया, तो आराम से शब्द को पहचानिए, निश्चित ही आपका हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इसको आराम से बना सकते हैं। हरीश ने एक स्कूटर इतना में खरीदा, उसने इतना नगद भुगतान किया, ठीक है, कितना में खरीदा, इतना में नगद भुगतान कितना कर दिया, इतना, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ये हो गया 49, और ये हो गया 553, ठीक है, इसमें से इतना घटा देंगे, माइनस क्या करेंगे, 8076, 7 6, तो इसको माइनस करेंगे, ये 4 9 है, ठीक है। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ, अब जो भी बचेगा उसको 37 से भाग दे देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, स्कूटर का मूल्य इतना था, नगद भुगतान इतना था, किस्तों द्वारा भुगतान के लिए राशि हो गया, दोनों को घटा देंगे, घटाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो टोटल बचेगा उससे 37 जो था उससे भाग दे देंगे, 37 किस्तों की बात हो रही थी, तो 37 से भाग दे देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, तो ये जो भाग देने पे जो आया वो आंसर हो गया 1121, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1121। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए आराम से इसको समझिए, क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ है, थोड़ा सा हल करना है, तुरंत हल करके उसे टिक कर देना। ये नंबर फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं कटने वाले, जब आंसर आपके मिल गए हैं तो कभी नहीं कटेंगे, तो ये फिक्स है 15 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15, 13:15 क्या हो गया, 1:15 पे चली, और शनिवार को यानी शुक्रवार, शनिवार यानी अगले दिन को, बुधवार, शनिवार को बेंगलोर समय 7:30 पर पहुंची, यानी सुबह में 7:30 में पहुंची, यात्रा में लगा समय था, यानी कितना देर लगा, तो यहाँ देखिए 1:15 से चली, 7:30 में पहुंची, तो सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक्स ये मिला लेंगे हम कि 15 से 30 में पहुंची, यानी लास्ट में उसका मिनट कितना होना चाहिए, 15 मिनट होना चाहिए, 15:30, क्योंकि 15 के बाद अगर 30 घटाएंगे तो कितना आएगा,
यानी 15 से स्टार्ट हुई 30 में गई, तो 30 में से 15 घटा देंगे यानी 15, उसका सेकंड मिनट का लास्ट वाला कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है आपका, 15 है, 2 में 45 दिया, में 1 में 35 दिया है, 1 में 15 दिया है। इसका पहला तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल के देखेंगे तो इसका आंसर 4 नंबर होगा जिसमें 15 मिनट दिया है, क्योंकि इसका कुछ भी और हो ही नहीं सकता है, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 ही पहुँचेगा। अब हम पूरा सॉल्व कर देते हैं कि 18 घंटे कैसे आएंगे। मान लीजिए 2 में 15 दिया होता है तो क्या करते हैं, तो अगर देखा जाए 13 15 यानी 1 15 हो गया। अब रात को भी 1 15 बजेगा तो कितने घंटे हो जाएंगे हमारे पास, 12 घंटे। तो चलिए 1 बजा देते हैं, 1 15 हो गया यानी 12 घंटे हो गए मेरे। अब 7:30 बजे पहुंच रहा है, तो अब 1 बजे से 7 बजे तो कह रहे हैं, तो ये कितना हो गया आपका, 6 घंटे। 1 बजे से 7 बजे तक देखा जाए तो 6 घंटे, 1 घंटा घटा देंगे तो ये हो गया 6 घंटे का, 12 6 18 घंटे का, वो डायरेक्ट हो गया आपका। अब ये 30 तक कह रहा है 15 तक, तो अगर 7 15 तक देखा जाए तो 18 घंटे हो गए, 15 और जोड़ देंगे तो 7 30 हो जाएंगे, तो ये आपके 18 घंटे 15 मिनट, 18 घंटे 15 मिनट हो जाएंगे, 12 6 18, और ये जो 30 तक लेके जाना है तो ये क्या हो जाएंगे आपके 15 मिनट। तो ये आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन आराम से इसे हल कर सकते हैं। 15 दिनों में, 15 दिन यानी 15 गुणे 24 हो गया 15 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 15 दिनों में यानी 15 गुणे 24। अब इसमें मिनटों की संख्या पूछ रहा है, चलिए 60 से भी गुणा कर देते हैं, ये रहा मेरा 60। निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के, अब बराबर किसका है सेकंडों की संख्या से, अब इसको गुणा करके हमको सेकंडों की संख्या का, ये मान लीजिए सेकंडों की संख्या से, ये सब घंटा में दिया है यानी 60 से हमको भाग दे देना होगा। किससे भाग देना होगा, 60 से, फिर एक और 60 लिखना होगा क्योंकि घंटा में है, तो घंटा से पहले मिनट में बदलेंगे तो कितना से भाग देंगे, घंटा है तो घंटा से मिनट में बदलेंगे तो ये हो गया आपका मान लीजिए मिनट, अब मिनट से जो बचेगा ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिन यानी 15 गुणे 24, फिर मिनट की बात कर रही है तो ये को घंटा हो गया 24 घंटा, तो फिर इसको घंटा में बदलने के लिए 60 कर दिए। अब ये कह रहा है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या का, तो ये भी घंटा में है तो घंटा को मिनट में बदलें और सेकंडों की संख्या और उसके बाद सेकंड में बदलें, ये मिनट हो गया ये सेकंड हो गया, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, वो दोनों को बदल दिया। तो आप देखिए ये कटेगा कैसे, ये हो गया 60 से ये 60 कट जाएगा और इसको तो काटना पड़ेगा हमें, तो 35 45 64 यानी 4 मर्त में जाएगा, फिर जो बचेगा ये 24 से कटेगा, को 6 चौका 24, इसका क्या आंसर होगा, 6 घंटे, इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे, बन गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन समझने वाला है, थोड़ा सा घुमा के भी दिया है लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको आराम से। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर, जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर, जूस में मिलाया जाता है। अब दोनों को मिलाया जाता है, दोनों का जोड़ करना, मिलाना मतलब क्या, जोड़ करना। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग मिलाया जाता है यानी फिर घटा देना है, और शेष बोतलों में भरा जाता है जहां बोतल 250 मिलीलीटर जूस आता है। कुछ नहीं करना, फिर भाग दे देना है। तो
चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करना क्या, दोनों को जोड़ देना, फिर इतना से घटा के इतना से भाग दे देना, जो आएगा संख्या वो बोतलों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले संतरे का जूस जो है 15 लीटर, 286 मिलीलीटर है। फिर गाजर का जूस है, दोनों को जोड़ दिए हम, तो इनको जोड़ेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। यानी 1000 पे जैसे ही आएगा तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो ये हो गया 35 लीटर। अब मिश्रण कितना होगा, 35 लीटर। अब 35 लीटर में से हमको प्रयोग में लाया गया 12 लीटर 750 मिलीलीटर को घटाना है, तो इसको हम घटा देंगे, तो घटा के आएगा कितना, 22 250 मिलीलीटर। अब इसको क्या करना है, इसको हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बोतल की जो संख्या है, जो बोतल में जो भरा जाएगा वो मिलीलीटर में भरा जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। यानी 22 को 1000 से गुणा कर देंगे, 250 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इतनी संख्या। फिर पूरी बोतल जूस कितना है, पूरी प्रति बोतल जूस कितना है, 250 मिलीलीटर है। और कुल बोतलों की संख्या यानी जितना संख्या था उतना बटे 250 ग्राम, तो ये टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 89 बोतल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ दिखा रहा फलों के मूल्य प्रति केजी नीचे दिए गए हैं, ये प्रति केजी में नीचे दिए गए हैं, खरबूजा इतना है, चेरी इतना है, अंगूर इतना है, सेब इतना है। रेशमा ने 4.2 kg खरबूजा खरीदा, यानी 4 किलो और आधा किलो उन्होंने खरबूजा खरीदा। फिर 1 किलो 200 ग्राम चेरी उन्होंने खरीदा, फिर 250 ग्राम अंगूर खरीदा और इतना केजी सेब खरीदा। अगर आप खरीदारी कर रहे होंगे तो निश्चित ही से हल कर लीजिएगा। और उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया और उसे कितने रुपये वापस मिले, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर खरीदारी करते होंगे तो निश्चित ही कर लीजिएगा। यहाँ मामला फंसता है यहाँ पे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। एक का 3/4 की बात करिए, 1 किलो 3/4, तो यहाँ पे देखिए 1 किलो यानी सेब की यहाँ बात की जा रही है, तो 1 किलो का मतलब ये हो गया इतना रेट। अब प्लस यानी इतना प्लस इसका क्या कीजिएगा, 78, और इसके बाद आपका पॉइंट आएगा पॉइंट 40 का 3/4। अब इसको भाग देके इसके साथ जोड़ दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं कि क्या होगा। खरबूजों का मूल्य इतना है, तो इतना का कर दिए हम ऐसे, यानी 1850 को 4 से गुणा किए, फिर इतना का 1/2 करके लेते हैं, तो इसका देखिएगा तो इतना आएगा। फिर चेरी का मूल्य है इतना और 200 ग्राम को, इसको देखा जाए तो दोनों को इन्होंने क्या किया है, तो 1 kg यानी 1000 प्लस 200 को अब बट्टे 1000 से भाग दे दिया। अब ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 72 हो जाएगा, 1 kg का 72 हो जाएगा। और चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 72 और 1.2, 72 × 1.2, 200 ग्राम है, 1000 kg का होता है, तो को 1.2 हो गया, अब गुणा करके इतना ला सकते हैं। फिर अंगूरों का मूल्य है, को इतना है, को 250 है, को 250 बटे 1000, या यहाँ डायरेक्ट आप पॉइंट से गुणा कर सकते हैं, 3 पॉइंट के बाद 0 बैठा देते, ये निकल गया। फिर सेबों का मूल्य है इतना, तो ये हो जाएगा आपका इतना का 1 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा 78 40, फिर 3/4 से गुणा करेंगे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 × 4 = 4, 3 = 7, 7/4 से भी आप गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 7/4 हो गया। अब इसको जितना आएगा वो आपका सेबों का मूल्य हो गया। पूर्णांक वाला डायरेक्ट भी आप पूर्णांक तोड़ के लिख सकते हैं, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 7, तो ऐसे भी हो गया। इसके बाद कुल मूल्य होगा, कुछ सबको जोड़ देंगे चारों फलों को, तो ये हो गया आपका 337। तो 337 को जो टोटल दुकानदार को दिया गया है, यानी 500, 500 में से 337 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 163, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 163 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक साबुन की एक टिकिया का आकार इतना है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56.0 मीटर। देखिए यहाँ पे हमेशा आप गड़बड़ करेंगे, ये मीटर में है,
ना कि सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में ठीक है, लेकिन ये दोनों मीटर में है, कोई इस डिजिट को जरूर पकड़िएगा, ये क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, इसको जरूर पकड़ के रखिएगा, यही मिस्टेक हो जाता है, तुरंत बन जाता है लेकिन मिलेगा नहीं, ये मीटर देख लीजिएगा, मीटर में लिखा हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। को साबुन की ट्यूब अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, और कितना पैक किया जा सकता है 2 पेटियों में, साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है, तो कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए ये है कितना, 56, दूसरा है आपका सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, फिर तीसरा क्या है आपका 25 है ना, तो 25 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500, और दो दो के बाद दशमलव बैठेगा, जैसे इसको हम किए कैसे कि ये 40 आ गया, इसको हम मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किए, 100 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 2500, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है तो वो 2 जीरो हम बैठा देते हैं। अब दशमलव कितने 2 अंकों के बाद है, 1 2, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 25। अब कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये दे दिए हम 7 सेंटीमीटर, ये दे दिए हम 5 सेंटीमीटर, और ये दे दिए हम 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 है ना, तो यहाँ हम कर देते हैं 25, ऊपर क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, दशमलव हटाने के लिए एक जैसे दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, को अगर 25 से देखा जाए तो 25 कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से 2 मर्त में ये कट जाएगा, 5 दूना 10, बचा ये 7, ये बचा 56, ये बचा 40, ये बचा 2, का 70 8 56, ये 8 से कट जाएगा, 8 40 2, 8 दूनी 16, और 16 16 आया, 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 गुणे 40, 16 गुणे 40 हुआ, को 16 में 32 और 48 हो चुका 64, को 64 हो गया, यानी 640। देखिए कैसे गुणा किया मैंने, 16 को 4 से गुणा किया, लास्ट वाला 0 मैंने रख दिया, को 16 चौका 64, एक 0 रख दिया, तो कितना हो गया 640, आराम से बन गया। क्यों 640 हुआ, क्योंकि ऊपर जितना ये क्षेत्रफल है उतना ही मैंने इसमें से निकाला, को दोनों का देख लिया, जो भी डिफरेंस आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी दोनों का भागफल जितना होगा वो आंसर हो जाएगा, तो 640 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, मान लीजिए हम एक आयत बना लेते हैं, ये आयत हो गया, आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई मान लीजिए इसकी चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई इसकी अगर हम मान ले एक्स मान ले, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, इसकी चौड़ाई, अब जो ये एक्स है एक वर्ग की भुजा का आधा है, अब एक वर्ग हम ले लेते हैं, इसका आधा ये है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर, ये 72 परिमाप होता क्या है ये क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी आता है परिमाप आता है, कभी कभी परिधि आता है, ये क्या होता है, तो देखिए परिमाप जो होता है ना, कि ये जो लकीर है ना, 1 2 3 4 लकीर है, परिधि जब वृत्त वगैरह निकालते हैं तो वो लकीर ही होता है, ये जो क्षेत्रफल जो अंदर का होता है वो होता है, और ये लकीर जो है ये क्या है आपका परिमाप है, इसका भी परिमाप 1 2 3 4, ये परिमाप हो गया, तो इसमें कह रहा है कि परिमाप जो है 72 सेंटीमीटर,
को ये चारों का जोड़ क्या है? 72 है। 1 2 3 4, चारों का जोड़ क्या है? 72 है। तो 72 का हम 4 से भाग दे दें तो वो संख्या निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ बचेगा 3, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा आपका 32, 800 का 32। डायरेक्ट गुणा करके भी देख लीजिए, 58 36 18 54, 18 चौका 72, ये बच गया आप, ये आ गया आपका 18, यानी इसका प्रत्येक भुजा कितना है? 18 सेंटीमीटर। परिमाप निकाल दिए तुरंत, 18 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा कह रहा है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, ये हो गया आपका 9। सपोज कीजिए 9 ये हो गया, कभी कभी यहाँ पे आप लोग लंबाई इसको भी मानते हैं इसको, और चौड़ाई इसको मानते हैं, वो आप देख लीजिएगा क्या करना है, वैसे ही लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। तो इसका मान लीजिए 9 है, तो 9 × 3 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपका चौड़ा, लंबाई इसका 27 हो गया और चौड़ाई इसका 9 हो गया। अब कह रहा है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, आयत का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप से कम है, तो परिमाप निकालना है तो हमको जोड़ना होगा 27 और 9, 27 ये 9 ये, 27 ये 9 ये, यानी 27 और 9 पहले जोड़ देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, तो 27 9 कितना हो जाएगा? 9 16, और ये 2 1 3, 9 7 16 के 6 आदमी 1 2 1 3, × 2 बराबर कितना हो जाएगा? परिमाप निकाल लेते हैं, को 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 आ गया, और ये दोनों से होगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, यानी 72। इसका परिमाप कितना आया? 72। को आयत का परिमाप आया 72, और इसका परिमाप आया आपका कम है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों का परिमाप लगभग बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है, इसका भी 72 इसका भी 72 है। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कभी भी वर्ग और आयत का बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो ये भी वर्ग बन जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में अंतर होता है। मान लीजिए ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, 4 त्रिका 12 हो जाएगा, ये तो वही रहेगा ना, सबका एक ही बराबर है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकता है। हटा दीजिए, पहले ही काट दीजिए, इसका भुजा का स्क्वायर है, ये दोनों भुजा का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब ये कह रहा है आयत के क्षेत्रफल से कह, 9 त्रिका ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया आपका 36 × 9, आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल, यानी 18 × 18, ये इसको और इसको, 18 × 18 है और ये 36 × 9 है, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्योंकि 36 × 9 है, ये 18 × 18 है, तो ये गलत हो जाएगा। आयत और वर्ग दोनों के परिणाम बराबर है। अब डायरेक्ट यहाँ परिमाप निकल गया ना, इसका आपका 72 आ गया, आयत का इसका भी 72 आ गया, कुछ और छोड़ के इसको टिक कर दीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है, अब इसको देखना है। यहां पे देखिए किसी घनाभ का आयतन, ये थोड़ा लंबा है, तो चलिए इसको हम लास्ट में सॉल्व करके देखेंगे। चलिए 10 का शतांश, 10 का शतांश यानी 10/100, यानी 10 × 1/100, तो ये कटेगा इससे, फिर 10 बच गया 1, यानी ऐसा होना चाहिए, 10 का मतलब 1 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये ठीक है। अब इसको देखते हैं, 55 लीटर 55 मिलीलीटर, 550 मिलीलीटर नहीं है ये, 55 मिलीलीटर है, यानी 55, यहाँ देखिए दशमलव, यहाँ 0 आता तो ये सही हो जाता है, नहीं तो यहाँ 550 होता तब सही होता, तो यहाँ हो जाएगा 55.055, तो ये गलत है,
इसका एक और सब ट्रिक्स है कि अगर कौन सा सही नहीं है इसको अगर हमें देखना हो तो देख लेते, जो आसानी तरीके से हल हो जाए उसको देख लेते हैं, जो उसी में से निकल जाता है कि ये गलत है उसको हम काट देते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है कोई 1,000 होता है, कोई यहाँ दशमलव कर देंगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा, 2 kg 005 g, क्योंकि 1,000 से भाग भी दीजिएगा तो वही होगा। अगर यहाँ 1,000 से अगर आप भाग भी देते हैं तो 3 0 है ना, तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव बढ़ जाता है, तो ये सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है, किसी घनाभ का आयतन किसी लंबाई का 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई का 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, बराबर है, उस घन के आयतन की भुजा इतना मीटर है, तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। कैसे निकालिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कीजिएगा, इसको इन तीनों को गुणा करना है। यहाँ भी देखिएगा 0.3 मीटर है, तो ये 3 मीटर के कारण इसको सेंटीमीटर के लिए कितना, 100 से गुणा करेंगे, याद रखिएगा 100 से क्या करेंगे आप लोग, गुणा करेंगे। अब इसका इसका भी आयतन कर रहा है, तो इसको भी 3 से 3 बार इसको गुणा करेंगे, साथ में 100 से गुणा करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा, तो ये भी सही होगा। इसे मैं बना नहीं रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में एक बार सॉल्व करके ज़रूर बताएं हमें, एक क्वेश्चन तो आपको देना चाहिए, तो इसे सॉल्व करके ज़रूर देखें। 15 क्वेश्चन हम लोग का आज डील हो गया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेता हूँ, इस पर एक मैं वीडियो लेके, बीसीस वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये 6 to 8 में, 1 to 5 दोनों में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में इससे संबंधित क्वेश्चन एक मैथ में जरूर रहेगा। दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है, यानी दो अंकीय संख्या, कोई भी दो अंक है, को दूसरी एक अंकीय या दो अंकीय, एक अंक से गुणा करना है, दो अंक से गुणा करना है, तो इसके लिए इससे पहले क्या जरूरत होना चाहिए, कि ये गुणा के बारे में बात है, तो इसमें से सबसे पहले योग का क्रमय विन्मय खत्म कर देंगे। अब 3 बचा, तो यहाँ विभाजन की बात नहीं की जा रही है, विभाजन तो हमें करना नहीं है, तो इसको भी काट देंगे। अब यहाँ 2 बचा, गुणन का क्रम विन्मय गुण, क्रम विन्मय कब यूज करते हैं, जब एक क्रम में हो, तो यहाँ एक अंकीय भी बात कर रही है, दो अंकीय भी बात कर रही है, तो इसको भी काट देंगे, क्रम में थे ना। गुणन योग का वितरण के रूप में, ये सही हो सकता है, इसलिए सही होगा, ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि गुणन तो करना ही है, गुणा तो हमें करना ही है। अब इसमें क्रम विन्मय तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्रम में नहीं है, लेकिन योग वितरण इसलिए होगा, मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए कोई संख्या 15 ले लीजिए, 15 × 2 से गुणा करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 कर सकते हैं, 5 रखेंगे, यहाँ हम लोग 5 रखेंगे, 10 + 5 × 2, 15 × 2 = 30, ये तो आसानी से गुणा हो जाता है, लेकिन इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये जानकारी हमें होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जब गुणे आते हैं तो 10 में उसमें तोड़ के तुरंत हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 10 × 20 हो गया, प्लस ये 5 था, 5 × 10 यानी टोटल कितने आ जाएंगे, 30, तो ये जानकारी हमें होना चाहिए, इसी को कहते हैं गुणन योग वितरण के रूप में। तो ये एग्जाम्पल भी देता है, एग्जाम्पल के रूप में दे देगा और कह देगा कि ये कौन सा है, तो इसे कहते हैं गुणन योग वितरण। तो ये क्वेश्चन लास्ट था हमारा, और इसका आंसर सही भी यही होगा, तो इस पे एक छोटा सा मैं वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छा होगा वो वीडियो, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित ही मेरे ख्याल से होना चाहिए, ये आपका बीटेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ये सब बिल्कुल फ्री है।